इस रोमांचक फिल्म की शुरुआत होती है 1916 परसिया को दिखाते हुए। पूरे परसिया के ऊपर एक राजा राज्य किया करता था, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उस राजा के पूरे किंगडम में जनरेशन बाय जनरेशन एक जीनिय प्रासोन होता है। अब वही जिन राजा के पास मौजूद होता है जो उसकी 3 विशेष पूरी करने के लिए कह रहा था। पहली विश तो उस जिन ने राजा की पूरी कर दी थी, जो की पहली विश होती है की उस राजा ने कहा था हमें दुनिया का बेस्ट राजा बना दिया जाए। जिन ने अपनी जादू की मदद से सभी लोगों के दिमाग को चेंज कर दिया, जिससे कि सभी लोग ये समझे कि राजा वेस्ट है। अब जिन राजा से दूसरी विश मांगने के लिए कहता है, राजा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ गया था कि अब तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है, किंगडम से लेकर बहुत सारे पैसे भी। इसीलिए राजा जिन से कहता है कि तुम कुछ अलग करके दिखाओ जो आज तक मैंने देखा ना हो। जिन बहुत ही हंसते हुए अपने हाथों को चारों तरफ घुमाता है, और अब अचानक से जिन का काला जादू सभी तरफ फैलते हुए किंगडम के अंदर रहने वाले सारे लोगों को इन्फेक्टेड करता जा रहा था। सारे के सारे गांव वाले किसी अजीब तरीके के किसी बीमारी से वो इन्फेक्टेड होकर जा रहे थे, और कई लोगों के तो अजीब तरीके से बॉडी से एलियन क्रीचर भी निकल रहे थे, जिससे कि उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जा रही थी। चारों तरफ एक अजीब ही तरीके की महामारी फैल गई थी जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। राजा भी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिन को प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जिससे कि वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक कर सके। आधे से ज्यादा किंगडम के लोग अपनी जान को गवा बैठे थे, लेकिन राजा को ये सिचुएशन ठीक तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरीके से उसका पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। तभी वो जिन राजा से तीसरी विश मांगने के कहता है, और कहता है कि तुम ये सारी चीजें ठीक कर सकते हो। इसीलिए राजा के पास अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो तीसरी विश मांगने के लिए चला जाता है। बट उससे पहले उनके साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा जादूगर आ चुका था, जिससे कि शायद जिनके सारे राज के बारे में उसे पता होता है। और अब वो जादूगर राजा को समझाता है कि आप तीसरी विश बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया तो ये जिन पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, और फिर ये हेल का दरवाजा हमारी दुनिया से छोड़कर अपने बाकी जिन साथियों को आजाद कर देगा, जिससे कि वो सारे जिन हम इंसानों के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक तरीके से कब्जा जो करना चाहते थे। इसीलिए वो जिन तीसरी विश को पूरा करने के बाद हेल के दरवाजे को ना खोल पाए, जादूगर ने अपने एक क्रिस्टल की मदद से उस जिन को आसानी से कैद कर लिया था। अब ना ही जिनको कोई बाहर निकालेगा, और ना ही जिन अपनी 3 विशेष को पूरा कर पाएगा, यानी कि उस जादूगर ने एक बहुत ही बड़ी समस्या पूरे इंसानों के जगत से हटा दी थी। लेकिन लगता नहीं है ये जिन कितने दिनों तक कैद रहेगा। अब कई साल बीत जाते हैं, यहाँ पर मॉडर्न लोगों का जमाना आ चुका था। यहाँ पर हमें एक अमेरिका के बंदरगाह का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर रीमन नाम का एक बिजनेसमैन आदमी एक बहुत ही बड़ी मूर्ति को इम्पोर्ट करा रहा होता है, और वो तो खासकर उसी मूर्ति को देखने के लिए बंदरगाह पर खुद आ गया था, क्योंकि रेमन ने इस मूर्ति के लिए कई सारे पैसे भी दिए थे और वेट भी किया था। दरअसल रेमन का एक खुद का म्यूजियम होता है, जहाँ पर वो इसी तरीके की यूनिक मूर्तियाँ रखता था, जिससे कि उनके टिकट को बढ़ाया जा सके और रेमन के बनाए गए म्यूजियम को काफी मुनाफा हो सके। रेमन तो हर किसी के ऊपर नजर रख रहा होता है। अब जोर्स नाम का एक आदमी जो कि क्रेन से उस मूर्ति के बॉक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक पीकर रखी थी, और उसकी एक लापरवाही की वजह से वो पूरी मूर्ति वाली बॉक्स ऊपर से डायरेक्टली एक दूसरे कर्मचारी के ऊपर गिर जाती है, और उस कर्मचारी की तुरंत ही मौत हो जाती है, और उस बॉक्स में रखी जो मूर्ति बहुत ही कीमती वो तुरंत टूट जाती है। और रेमन को ये सारी बातें पूरी तरीके से पागल कर दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर रेमन का $1,000,000 का नुकसान हो चुका होता है। और अब हमें उस टूटी मूर्ति के अंदर वही रेड डायमंड दिखाया जाता है, जिसके अंदर कई साल पहले जादूगर ने उस जिन को स्टोर कर रखा था। उस डायमंड को देखते एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे चोरी चुपके से उठा लिया था, और वो तो ये सारी बातें रेमन और किसी को भी नहीं बताता। वही रेमन जो कि अपने सबसे बड़े लॉस को हुए कवर करना चाहता है, तो वो अलग अलग चीजें भी ट्राई करने लगता है। अब वो बूढ़ा कर्मचारी जिसके पास वो रेड डायमंड होता है, वो उस डायमंड को लेकर कुछ ऐसे लोगों के पास चला गया था जो उस डायमंड के बदले काफी सारे पैसे दे सके। तभी उस बूढ़े कर्मचारी ने अपना रेड डायमंड वहाँ के लोगों को दिखा दिया, लेकिन वहाँ पर वो आदमी जो इसी प्रेसिस चीजों को बहुत ही आसानी से खरीदा करता था, वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इस डायमंड को एलेक्स को दिखाना पड़ेगा, और उसके अप्रूवल के बाद ही हम तुमसे ये डायमंड को खरीद सकते हैं। और तब जाकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सारी चीजें मंजूर है, और तुम्हें ये डायमंड चाहिए तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। बूढ़ा आदमी जांच पड़ताल करने के लिए उसी डायमंड को उन लोग के पास छोड़कर चला जाता है। अब हमें यहाँ पर एलेक्स को दिखाया गया। एलेक्स तो अपने साथी जैक के साथ बहुत ही मस्ती से यहाँ पर खेल रही होती है। एक तरीके से जैक और एलेक्स एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन वो अपने पूरे रिलेशन को पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही इम्प्रूव नहीं कर पाते। अब एलेक्स जब अपने ऑफिस में आती है, तो उनके वर्कर्स ने एलेक्स को वही रेड डायमंड प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर एलेक्स को रिसर्च कर ये पता लगाना था कि ये
डायमंड कैसा है और असली है भी या नहीं। एलेक्स तो उस रेड डायमंड को देखकर ही चौंक गई थी, क्योंकि रेड डायमंड ये कुछ समय पहले ही मिलना बंद हो गए थे। एलेक्स तो इस डायमंड के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही थी, इसीलिए वो उस रेड डायमंड को माइक्रोस्कोप के अंदर डालने लगती है। पूरे प्रोसेस में उस रेड डायमंड को एलेक्स एक कपड़े के ऊपर घिसने लगती है। तभी अचानक से एलेक्स को उस रेड डायमंड में से कुछ आवाजें आने लगती हैं कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। एलेक्स ने फिलहाल के तो लिए इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। उसे लग रहा था कि लगातार काम करने की वजह से उसे थोड़ी थकान सी हो गई है। अब एलेक्स उस रेड डायमंड को माइक्रोस्कोप की मदद से बारीकी से काफी लेवल नीचे पर देख रही थी। तभी उसे डायमंड के अंदर कुछ अजीब सी लिक्विड जैसी चीज मिलती है, जो कि धीरे धीरे अपना फॉर्मेट बदल रही थी। पर ये सब चीजें किसी भी डायमंड में मौजूद ही नहीं होती, क्योंकि डायमंड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड की मात्रा नहीं होती। ये सारी बातें एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो अगले दिन डायरेक्टली जैक की लेबोरेटरी में चली जाती है। उसने तो जैक को इस डायमंड में जितनी भी जमा की गई इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड करवा दी गई होती है, इसीलिए वो जैक के साथ मिलकर इसका कंफ्यूजन निकालना चाहती थी, आखिर ये रेड डायमंड है क्या और इसके अंदर अजीब तरह की लिक्विड कैसे मौजूद है। जैक ने अब एलेक्स से कहा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इस काम करने के बाद मैं इस रेड डायमंड के ऊपर भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, इसीलिए तुम अपने वापस से काम पा जा सकती हो। एलेक्स भी ये सब भूलकर स्टूडेंट को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग लेने आ जाती है, क्योंकि ये एलेक्स का पार्ट टाइम जॉब होता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। एलेक्स अब पूरी तरीके से अपने काम में भी बिजी हो जाती है। अब वही हमें लेबोरेटरी के अंदर जैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो रेड डायमंड भी मौजूद था, क्योंकि अब एलेक्स के कहने पर उसे उस डायमंड के ऊपर रिसर्च तो करनी होगी, नहीं तो शायद एलेक्स जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो शायद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। जैक ने तो अपना सारा काम जल्द से जल्द खत्म कर दिया और उस रेड डायमंड के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो तो सबसे पहले डायमंड को एक रेजर वाली मशीन के अंदर डालता है, जिससे कि डायमंड के छोटी छोटी पार्टिकल के बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम हो सके। और तभी उस रेड डायमंड पर कुछ रेजर लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तब अचानक से उस डायमंड के अंदर से कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। डायमंड के अंदर ऐसे रिएक्शन होने के कारण पूरी मशीन ब्लास्ट हो जाती है और रेड डायमंड के बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए थे। जैक इस धमाके से बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वो एक कोने में भी पड़ा हुआ होता है। तभी हमें उस जगह पर एक अजीब सा खतरनाक कीचड़ दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे जैक के पास जा रहा होता है। वो कीचड़ बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि जैक से पूछ रहा था कि तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो, और जैक इस बात पर उसका जवाब हाँ में दे रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे लग रहा था कि जो भी उससे सवाल पूछ रहा है वो इस काम में इसकी मदद करेगा। लेकिन तभी वो कीचड़ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है और जैक को जान से मार देता है। उसने तो जैक की एक बात भी नहीं सुनी होती और जैक को तुरंत ही खत्म कर दिया होता है। और अचानक उस कीचड़ की बॉडी, जो कि बहुत ही कमजोर होती है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी थी, जिसके बाद वो कीचड़ ने उस रेड डायमंड के सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और एकदम इंसानों की तरह वियप करके वहां से दूर जाने लगा। तब जाकर हमें ये रियलाइज होता है कि ये कीचड़ और कोई नहीं वही खतरनाक जिन होता है, जिसे कि कई साल पहले रेड डायमंड में कैद कर रखा था और उसी जिन ने कहानी की शुरुआत में राजा और उसके पूरे किंगडम को नष्ट कर दिया था। और इतने सालों तक कैद होने के बाद वो रेड डायमंड के अंदर से आज जिंदा हो गया है, जो कि अब पूरी तरीके से आजाद भी था। अब उस खतरनाक जिन की नजर एक ऐसे आदमी की बॉडी पर होती है, जिससे कि वो उस पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर ले। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स को ये सारी बातें पता चली तो वो भागते हुए जैक की लेबोरेटरी में आ जाती है। एलेक्स ने जब जैक की डेड बॉडी को देखा तो वो पूरी तरह के शॉक में पड़ गई थी, क्योंकि आखिरकार उसे ऐसे कौन मार सकता है। और वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और बहुत सारे डिटेक्टिव भी आ चुके थे और जिन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और कोई भी प्रूफ नहीं मिलता कि आखिरकार इसका मर्डर किसने किया है। सीसीटीवी कैमरा भी चेक करने के बाद उन्हें जिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जिन गायब भी हो जाता था, या तो जिन के अंदर ऐसी पावर होती है जो कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर उसे कैच नहीं कर पाती है, इसीलिए वो खतरनाक जिन किसी भी फोटोज में मौजूद नहीं होता। डिटेक्टिव तो अब जैक की मर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिलता, क्योंकि इसके ऊपर और भी इन्विटेशन करना, यानी कि उनका अपना टाइम बर्बाद करना। एलेक्स इतनी ज्यादा सदमे में चली जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अब तो यहाँ एक शहर में भिखारी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भूखा होता है। उस भिखारी ने दो दिन से खाना नहीं खाया होता, इसीलिए वो डायरेक्टली चला जाता है एक शॉपकीपर के पास, जो उसे खाने के लिए या तो कुछ पैसे या तो कुछ चीजें मांग रहा था। लेकिन उस शॉपकीपर ने बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस भिखारी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। वो भिखारी इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है और अब तो वो भिखारी एक कोने में आकर उस शॉपकीपर को बुरा भरा कहने लगा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस भिखारी के
साइड में वही जिन मौजूद है जो कि रेड डायमंड में से निकला हुआ था। जिन उस भिखारी से कहता है कि तुम चाहते हो कि वो शॉपकीपर भी मर जाए। भिखारी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो एक ही पल मूवमेंट में कह देता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि वो शॉपकीपर मर जाए। जिसके बाद वो जिन अजीब तरीके का एक काला जादू करता है और थोड़ी देर के बाद वो शॉपकीपर को अटैक आता है और वो वहाँ पर मर जाता है और वो शॉपकीपर उन सभी की आंखों के सामने मारा जाता है। और भिखारी भी अब उस शॉपकीपर को ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिसके बाद वो जिन से डरकर वहाँ से बहुत ही तेजी से डरकर भागने लगता है। एंड गाइस, इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अमेजिंग और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो में पार्ट 2 कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।